तो so, टू so, जान जा चुकी है एंड आप सब जानते हैं जब इस तरह का कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो ये एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं होते हैं सो so, चलिए जानेंगे की क्या था रीजन है जो डेथ वहां पे हुआ उसके पीछे का सो so, ये yes, जैसे कि अभी तक अपडेट चल रहा है दट इज के अराउंड थ्री हंड्रेड पीपल किल्ड इन द फ्लाश होलर रिब्ड थ्रू मल्टीपल प्रोविसेज इन द अफगानिस्तान दिवेन्स वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सर दट एज अथॉरिटी डिक्लेयर एज इट इज अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी आप नंबर दे सकते चार सौ लोग एंड दिस इज नॉट की बहुत महीने में बहुत ही uh, रैपिड एकदम से ये सब चीजें हुई सो स्टेट ऑफ एमरजेंसी अभी पर्टिकुलरली डिक्लेयर कर दी गई है एंड रेस्क्यू ये सब चीजें स्टार्ट कर दी गई डन अब आगे पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि बेसिकली फ्लैश फ्लड्स होता क्या है कि अगर आप फ्लैश समझेंगे तो फ्लैश कैमरा की फ्लैश आप देखिए या लाइट की फ्लैश मारते हैं सो इट इज वेरी सडन एंड रैपिड सो वही जब फ्लड्स के ऊपर बात है सो ये गेन थिंग इट इज सडन एंड रैपिड दैट अकर विद इन शॉर्ट पीरियड टिपिकली इन आवर्स ऑफ रेनफॉल अदर इंटेंस वॉटर अक्यूमेशन इवेंट फ्लैश फ्ल कॉज वेन रेनफॉल क्रिएट अ फ्लडिंग इन लेस देन सेक्सार्स मतलब इतनी ज्यादा हेवी रेनफॉल हुई टोरेंशियल रेनफॉल भी हम उसको कहते हैं कि इतनी ज्यादा हैवी रेनफॉल हुई कि छे घंटे के अंदर अंदर विद इन सिक्स आवर्स क्या हुआ वहां पे फ्लड्स आ गए सो बेसिकली अगर आपने फ्लड्स देखा होगा जैसे हम देख बात करते हैं अगर कर मॉनसून के टाइम पे जब बारिश होती है तो हम देखते हैं कि कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है हो रही हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम बाद कुछ दिनों बाद बेसिकली फ्लड वाला सिचुएशन हमें दिखता है लेकिन जब फ्लैश फ्लड्स की बात आती है तो अचानक से इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि विद इन सिक्स आवर्स वहां पर पूरा फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाती है इसीलिए फ्लडिंग इज अ स्लो प्रोसेस ठीक है धीरे धीरे वो बढ़ता है पानी का जो अमाउंट है वो बढ़ता है उसके बाद फ्लड आता है लेकिन फ्लैश फ्लड नाम ही इसलिए

बनाए जाते हैं अगर वो टूट जाए 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 ठीक है debris आ का नंबर बढ़ sudden release of water from natural reserves, glacial lakes, इन सब जैसे ही मतलब कुछ भी ऐसा जिससे वाटर का जो अमाउंट है वाटर का जो एकदम से बढ़ जाए उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा दैट इज द फ्लैश फ्लड्स सो फैक्टर सच एज इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल स्टीपनेस ऑफ द टेरेन्स नेचर ऑफ द सॉइल एंड द प्रेजेंस ऑफ मेड स्ट्रक्चर्स

डेबरिज uh, बहुत ज्यादा आ सकता है नेचुरल रिजो से एकदम से बहुत ज्यादा फ्लो आ सकता है पानी का इनमें से कोई भी केस मिलकर क्या बनाएगा हमें फ्लैश फ्लड लाइक सिचुएशन मिल जाती है ना बात करें अफगानिस्तान में इस टाइम पे करंट सिचुएशन क्या चल रही है, so, yes, है सो यस वहां पे बहुत ज्यादा लोग मिसिंग है स्टिल ठीक है 300 के आसपास बोला जा रहा है कि लोग मर चुके हैं लेकिन स्टिल वी कैन नॉट से दिस इज अ फाइनल फिगर क्योंकि काफी लोग अभी मिसिंग हैवी रेन्स हैं रोरिंग रिवर ऑफ वॉटर और रोरिंग रिवर ऑफ वॉटर आप समझ सकते हैं कि uh, काफी तेज भाव है वहां पे पानी का मड क्रैशिंग थ्रू विलेजेस एंड अक्रॉस एग्रीकल्चरल लैंड इन द सेवरल प्रोसेसिस बिकॉज आप जब जानते हैं जब इस तरह से फ्लड्स आएंगे तो लैंड स्लाइड इज ऑल्सो डन ठीक है जी सो मेजर ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी की कंडीशन वहां पे ऑलरेडी बनी हुई है

बागला प्रोविंस ठीक है तो हार्ड सबसे ज्यादा अगर पे कोई हिट हुआ एरिया जो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड है सो दैट इज द नीचे इमेज में देख सकते हैं मैप में सो दिस इज अफगानिस्तान ये वाला पर्टिकुलर एरिया एंड अराउंड रह? 300 पीपल किल्ड दे आर अलोन सिर्फ वहीं पे हम बात करें एंड यस yes, और फेटेलिटीज भी हैं आगे थाउजेंड्स ऑफ हाउसेस डिस्ट्रॉइड डैमेज आर करंट इन्फॉर्मेशन जो वहां पर स्टेट मीडिया रिपोर्ट्स ने बोला है तो 311 सौ ग्यारह हाउसेस दो हजार ग्यारह हाउस डिस्ट्रॉयड अठाईसो हाउस डेमेज तो ये सारे जो अभी तक हमने नंबर देखे उसके ऊपर बात की जा रही है Now finally that is the UN's International Organization for Migration जो ग बता, बता रही है और ये जो हमारी बाकी ऑर्गेनाइजेशन है ये जो सारे नंबर बता रही है आपस में ये कितने लोगों की डेथ हो चुकी है एंड एक अपने आप में बट दैट द टोल टोलॉड राइज डन सो सोटेंटी पीपल जैसे मैंने आपको बताया वो कह रहे हैं दो सौ अठारह कोई कह रहा है तीन सौ so, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इनका कहना है एक सौ इकतीस लोगों की डेथ हो चुकी है सो नॉर्दर्न ताकार प्रोविंस है वहाँ पे भी जो कि नेबरिंग है वहां पर भी काफी एंड टोरेंशियल रेंज जो है उसी की वजह से हमें हैवी डेमेज मिला है बागलान में तखार में और बादशान में अफगानिस्तान में क्या देखने को मिला है वहीं पर हमें वर्स्ट अफेटेड एरिया जो सबसे अफेक्टेड है सो एयरफोर्स करेक्ट स्काईस क्लियर ऑन सैटरडे मोर देन हंड्रेड पीपल आर इंज्योअर्ड जो डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड मेडिसिन फर्स्ट एड सो पे जरूर दे जा रही है उसी के बीच में जनरल जिनका नाम है स्टेटमेंट आया था जो विदल ऑफ अफगानिस्तान एक्सटेंडेडम सो यसकोर्स देर ऑल्सो वर्किंग विदल अथॉरिटीज एंड ऑल ताकि एक एसिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए आप कह सकते हैं एंड एक और चीज वहां पर कहेगी जो फ्लड है दे आर एक्टिंग एज द अलार्मेल टू रिमाइंड वर्ल्ड लीडर्स एंड नो डोनर्स नॉट टू फॉरगेट अंट्री डिवास्टिटेड बाय दिट्स ऑफ कंफ्लिक बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द अफगानिस्तान सो इट्स नॉट अबाउट द नेचुरल कैलमिटी ऑल्सो वहां पर आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का अभी इशू है सो अफगानिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम द लास्ट मेनी ईयर्स करेक्ट सो उसी के बीच में यहां से एक और जो नेचुरल डिजास्टर है दट इज मोस्ट अफेटेड एड करेक्ट सो लेटेस्ट जो फ्लड है मेजर यूमिटेरियन इमरजेंसी इन अफगानिस्तान स्विंग ऑफ अर्थ क्विक भी वहां पर फिल किया गया

वहां पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि जो वहां की है वॉट को एब्जॉर्ब करे एंड दिस इज द पर्टिकुलर रीजन वी जस्ट सॉ दे आर अ फ्लडिंग लाइक सिचुएशन करेक्ट सो द नेशन रविज बाय फोर डेट्स ऑफ वॉर इज वन ऑफ द वर्ल्ड पोरेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट वन ऑफ द वर्स्ट प्रिपेयर टू फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का अगर आप बात करेंगे चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स के लिए प्रिपेयर होना चाहे कुछ भी हो उसके लिए बट वट द फर्स्ट थिंग वी नीड इज दैट वहाँ का पहले तो एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्ट्रॉंग लड़ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे कुछ having the courses for पर्टिकुलर series एवरी मंथिंग द can enroll in this particular courses